हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आइसक्रीम देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। तो आज मैं आपके साथ चॉकलेट चिप आइसक्रीम बनाना शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 5 रुपए वाले हैप्पी हैप्पी चॉकलेट बिस्किट लिए हैं। ये मैंने 4 पैकेट बिस्किट लिए हैं। पिसी हुई चीनी, चॉकलेट एसेंस, ये अगर आपके पास है तो आप यूज करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। कोको पाउडर, आधा कप मलाई और आधा कप दूध। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और सारे बिस्किट इसमें तोड़कर डाल देंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाला है, क्योंकि बिस्किट में भी मीठा होता है, तो चीनी हमें सिर्फ 2 चम्मच ही डालनी है। अब हम इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ये इस तरह से पाउडर बन जाएगा। अब हम इसमें आधा कप मलाई डाल देंगे। और आधा कप दूध डालेंगे, 2 to 3 drops चॉकलेट एसेंस की, ये ऑप्शनल है। आधा चम्मच कोको पाउडर। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हमें किस तरह से रखनी है। ये ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। ये मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, मैं आइसक्रीम इसमें जमाऊंगी। आपके पास जो बर्तन अवेलेबल हो आप उसमें जमाएं। अब मैं सारा बैटर इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसे प्लास्टिक शीट से कवर कर दूंगी। आपको जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह से डब्बे को कवर करना है। अगर आप इसे अंदर की साइड कवर करेंगे तो आइसक्रीम पर सारी शीट लग जाएगी। इसे अच्छे से टाइट बंद कर दीजिए। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे बाद हम इसे वापस से एक बार ग्राइंड करेंगे। हम इसलिए लगाते हैं ताकि आइसक्रीम के ऊपर फ्रोस्ट ना आए। शीट लगाने से सारा फ्रोस्ट शीट पर लग जाएगा। अब हम इसे एक बार दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोबारा ग्राइंड करने से आइसक्रीम और ज्यादा क्रीमी हो गई है, तो आप ये स्टेप जरूर फॉलो करें। अब हम इसमें चोको चिप ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसे उसी कंटेनर में वापस डाल दूंगी और 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निश के लिए चोको चिप और डाल देंगे। सात से आठ घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम हमारी जमकर तैयार है। आप देख सकते हैं सारा फ्रोस्ट इस शीट पर आ गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे।
अब हम इस पर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे और मेरे पास ये डेयरी मिल्क चॉकलेट थी तो मैं इससे भी थोड़ा सा इसे गार्निश करूंगी। लीजिए, तैयार है बहुत ही डिलीशियस टेस्टी चॉकलेट चोको चिप आइसक्रीम। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे हम मार्केट से लाते हैं ना चोको चिप आइसक्रीम, बिल्कुल वैसा टेस्ट। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।